अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 की रिवीजन करेंगे। इसमें हमने देखा, एक तो यहाँ से आप एमसीक्यूज देखेंगे कि लाइट जो है वो लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब जाती है तो वो किस तरफ को बेंड करती है, और आप जब डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल से हैवी बेंड करती है। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा ये यूजेस ऑफ लेंसेज आपने पढ़े थे, स्पेक्टेकल कैमरा, माइक्रोफोन, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बाइनोकुलर वगैरह प्रोजेक्टर में इस्तेमाल होती है। उसके अलावा लेंस की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक ये देखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ तक सेंटर ऑफ कर्वेचर की, फिर ऑप्टिकल सेंटर की यहाँ से स्टार्ट होगी, और इसको किस से, ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इसको किस से जाहिर किया जाता है। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, और फिर इसको ऑप्टिकल एक्सिस कहा जाता है, ये देखेंगे। ये डायग्राम जो है वो देखेंगे, इसमें बताया जा रहा है। उसके बाद टाइप्स ऑफ लेंसेज देखेंगे, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, यह भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, यह भी एमसीक्यूज बन सकता है। कि कन्वेक्स लेंस मिडल से थिकर होता है और एज से थिन होता है, और कनकेव लेंस जो होता है मिडल से थिन और एज से थिक होता है, यह आप देखेंगे इसकी डायग्राम। उसके अलावा फर्दर इन्फॉर्मेशन में डबल कन्वेक्स, डबल कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स, डबल कनकेव, ये आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि कौन कौन सी इस डायग्राम को क्या कहा जा रहा है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ तक आप देखेंगे, आप ये डायग्राम्स बनाएंगे अपनी कॉपी के अंदर, ये टाइप्स ऑफ लेंसेज की, ये वाली कन्वेक्स और कनकेव की ये बना लेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ देखेंगे आप लोग। प्रिंसिपल फोकस क्या है जी? लाइट रेज गुजर, जब एक जो है वो लेंस में से गुजरती हैं तो वो लेंस से गुजरने के बाद आगे एक पॉइंट पे मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं, ठीक है जी। अब ये लाइट है, ये आ रही है, एक ये आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है, सीधी गुजर जाएगी, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस के ये और ये पैरेलल आ रही है, तो ये यहाँ से गुजरने के बाद जो बेंड करेगी और एक जो पॉइंट पे जाके मीट करेगी, और इस जगह पे इमेज बनेगा, ठीक है। इसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का जो फासला होता है ये फोकल लेंथ कहलाती है। फोकल लेंथ को एफ से ज़ाहिर किया जाता है, ये फोकल लेंथ की डेफिनेशन आप करेंगे इसमें, ठीक है जी। और यहाँ पे ये क्वेश्चन है, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है? वाई कॉल सो, वाई कन्वेक्स लेंस इज कॉल कन्वर्जिंग लेंस, ये आप करेंगे। ये कन्वेक्स लेंस में बात हो रही है, ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। उसके साथ साथ ये कनकेव लेंस की बात हो रही है, तो कनकेव लेंस में चूँकि जो लाइट रेज हैं वो एक जगह पे मीट नहीं करती हैं लेंस से गुजरने के बाद, डाइवर्ज कर जाती हैं, तो इसलिए जो इमेज बन रहा होता है वो सामने बनता हुआ नज़र आ रहा होता है कि जहाँ बन सकता है, तो ये इसका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। और इसके ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का जो फासला है ये फोकल लेंस कहलाती है। ये आप इसमें देखेंगे, तो इसमें भी ये बताएंगे कि इसका इमेज कैसा बनता है, विजुअल बनता है, नेगेटिव होती है इसकी प्रिंसिपल फोकस होती है, और स्क्रीन पर इमेज नहीं बनता है, इसलिए ये वर्चुअल इमेज कहलाता है। ये आपने डिफरेंस भी पढ़ा था रियल और वर्चुअल इमेज का, ठीक है जी। ये आप देखेंगे आज यहाँ तक, और जो मैंने आपको इसमें बताया कुछ डायग्राम्स बनानी है, बनाने वाली हैं, ये वाली टाइप्स ऑफ लेंसेज की, ये प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ की, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस में, और ये कनकेव लेंस के अंदर, यहाँ तक आपका आज का काम है। अल्लाह हाफिज़।